ज्ञानकारे शिवत्व भाव आशंकमान आह। कोई विचार कर रहा है जब ज्ञान होता है विशिष्ट ज्ञान वृत्ति से, उस समय लगता है शिवत्व नहीं रहता है, चैतन्य नहीं है, ऐसा कोई आशंका करते हुए वक्त उसके जवाब में कहा जा रहा है, बुद्धिं विना कथं बोधः सा बुद्धि प्रकृते प्रजा न च तस्य तया योग इति चेदपरस्थितौ। सा बुद्धिर्यत् पुनः सूक्ष्म सर्वाधिकं व्यवस्थितं ज्ञानं बोधमयं तस्य शिवस्य सहजं सदा। बुद्धिं विना कथं बोधः, वह बुद्धि के बिना ज्ञान कैसा हो सकता है, और वह बुद्धि है प्रकृति का कार्य। इसे लगता है ज्ञान भी प्रकृति का ही कार्य, प्रकृति सब होता है, चैतन्य की कोई जरूरत नहीं। न च तस्य तया योग, क्योंकि उस समय शिव का साथ इस प्रकृति का इस बुद्धि का कोई योग संबंध है ही नहीं। यदि चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहें कहते ऐसा नहीं हो सकता। अपरस्थित सा बुद्धि, अपर में पर और अपर दो स्थिति है ना, पर हो गया शक्त्यंत वाला जो नित्यवासक ज्ञान हो गया, तो कहीं ये सब संशय नहीं हो सकता है। वहां पर शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या, इनमें तो ये सब बातें होती ही नहीं। जो भी है उसका नीचे वाला अपर स्थिति में ही ये सब शंका, क्या बुद्धि प्रकृति जो माया है शक्ति है उसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, चैतन्य की कोई जरूरत नहीं है, यह चैतन्य की सत्ता में ये कर पा रहे हैं, ये सब शंका वगैरह उठता ही है अपर स्थित हो। हमें सिद्ध करना चाहते इस अपर स्थिति में भी शिव के बिना बुद्धि आदि कुछ नहीं कर सकती है चैतन्य के बिना। अपर स्थित हो सा बुद्धि यत् पुनः, अपर स्थिति में वह जो बुद्धि आप जो कर रहे हो वह जो पुनः सूक्ष्मम सर्वाधिकम, सूक्ष्म होने से चैतन्य उसके साथ एकदम अभेद सा हो गया। ये जो अध्यास ऐसा विचित्र है, इसलिए भाष्यकार ब्रह्मसूत्र के आरंभ में क्या लिखते हैं, सत्यानृति मृथुनी कृत्य, सत्य और अनृत ऐसे आपस में मिल घुल गए, मिथुन भाव को प्राप्त हो गए हैं, जैसे मन एक हो गया है। आप अलग दिखते हैं, बुद्धि अलग चैतन्य अलग दिखते नहीं, बुद्धि सब कुछ कर रही लगता है, उसमें चैतन्यता के वजह से वो कर रही है, लेकिन इसको समझ में नहीं आती है, अपने बुद्धि के बल पर सारा काम कर रहे हैं। लेकिन वो सूक्ष्म यत् पुनः सूक्ष्म, वो सूक्ष्म तो कैसा है जो बुद्धि में एक ही भूत होकर जुड़ा हुआ है, अलग करके मैं अनुभव में नहीं आ रहा है, वो सर्वाधिकम सभी दिशाओं में व्याप्त वास्तव है, आते हुए बुद्धि को भी व्याप्त कर रखा हुआ, सारा जगत में ही व्याप्त है चैतन्य आत्मा शिव, तो बुद्धि को व्याप्त नहीं करेगा क्या, बुद्धि को व्याप्त किया हुआ है। सर्वाधिकम बोधमयम ज्ञानम, कैसा है ज्ञान, बोधमयम ज्ञानम व्यवस्थितम, व्यवस्थित है जो ऐसा व्यवस्थित है वही तस्य शिवस्य सहजम सदा, वही शिव का सहज सदा विद्यमान स्थिति है समझो, स्वरूप है समझो, वो उसका स्वाभाविक सर्वव्यापक स्वभाव है, उसका चैतन्य स्वभाव है, जिसके ही सत्ता में जिसके ही सन्निधि में बुद्धि आदि सभी ज्ञान आदि सारा कार्य करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है और ऐसा तादात्म्य ध्यास हो गया है कि आप उसे अलग करके ग्रहण नहीं कर, ये समस्या है। इसलिए लगता है बिना चैतन्य का बुद्धि अपने आप सब ज्ञान पैदा कर लिया, जो पूर्व पक्ष नहीं समझा, क्योंकि ताजा इतिहास को वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो इतनी सूक्ष्म बात है वो चीज, वो अलग करके ग्रहण करना कठिन है, हर व्यक्ति की बस की बात है नहीं, अतः वो भ्रांति में कह दिया कि बुद्धि सब कुछ कर लेती है चैतन्य की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा टिप्पणी एक नंबर यहां देखिए, ननो
अत्यल्पम इति मुच्यते, अरे आपने तो बहुत छोटा सा आरोप लगा दिया, बुद्धि सब कुछ कर लेती है, है? माया सब कुछ कर रही है, प्रकृति सब कुछ कर रही है बिना चेतन का, ये जो आपने बात कही बहुत छोटी सी बात कही है। ये जानाति इति अपर ज्ञान काले, जो जानाति या जानासी या जानामी, ऐसे जो अपर ज्ञान काल है उसमें अभेद अख्यातोपि, अभेद का ख्याति नहीं है, अभेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए वेद्य वेद क्षोभे, वेद्य वेदक भाव से क्षुब्ध हो गया है चित्त, इसलिए सर्वशक्ति संपूर्ण पूर्ण आनंद विश्रांत शिव तत्वोपयोग यावता घटादि ग्रह काल ज्ञानम अत्रैव इत्युक्तम्। सर्वशक्ति संपूर्ण पूर्ण आनंद विश्रांत शिव सत्व का अनुभूति उपयोग हो है इस चीज का, यह बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक वास्तविकता ग्रहण नहीं कर सकते। इसे घटाधिग्रह काल है, जैसे पूर्व में घटाधिग्रह काल में भी वह शिवता सिद्ध किया था, वह पूरे अपर स्थिति में क्या परिस्थिति में परापर सर्व स्थिति में भी वह चैतन्य का अभिव्यक्ति अभिव्याप्ति रहती है। तथा च सती कोयम घटाधिग्रह कालो नाम इति, इसे बताओ जब ऐसा है एक घटाधिग्रह काल करके तुम अलग कैसे कर रहे हो, क्या है वो बताओ। तथा यदि तत्रापि शुद्धमेव ज्ञानम, ये जवाब न दे पाओ और अंत तुम भी यही मानोगे हाँ वह शुद्ध ही ज्ञान है, तरी कृतम विषय व्यवस्था कल्पित न बुद्धियादि ना, इसे क्या फायदा है विषय व्यवस्था बुद्धियादि की परिकल्पना करके, ये मानो ना सब कुछ चैतन्य प्रकाशन कर रहा है, विषयाधीन होकर के इंद्रियों की व्यवस्था बुद्धि मन की व्यवस्था ये सब करने की क्या जरूरत है, और यही सब कुछ कर रहे हैं समझने लग गए आप भ्रांति से। यदि च तत्राप्यस्त्येव तत्त्वोपयोग, हाँ यदि कहते हो इन सब साधनों के माध्यम से भी हम शिव की ही अनुभव करने के लिए बना लिए हैं तब तक कोई आपत्ति नहीं है, तरही कथम तस्य नैर्मल्येन संभवः इति परव्यामोह दलनायाः बुद्धिमित्यादि। लेकिन समस्या होगा यदि आप उस तत्व शिव तत्व का उपयोग करके ही इन सारे चीजों को जान रहे हैं तो इनके जानने के माध्यम से जो मल है ये मल उस शिव पर क्यों नहीं चढ़ेगा, चैतन्य का संबंध हो गया बुद्धि से, बुद्धि का संबंध हुआ मन से, मन का संबंध हुआ इंद्रिय से, इंद्रिय का संबंध हुआ विषय से, विषय में जो राग द्वेष है वो इन सब के माध्यम से वापस चैतन्य क्यों नहीं रंग चढ़ेगा। इसी आशय से हम बुद्धि को अलग कर देना चाह रहे हैं ये पूर्व पक्ष कहता है, इसलिए हम कहते हैं ज्ञान आदि जो पैदा करता बुद्धि करता है उसमें चैतन्य का कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब वो चैतन्य ही प्रकाशन करता, बुद्धि सब कर लेती है, लेकिन बुद्धि जड़ है वो कैसे कर लेगी। यदत्र इसे पर व्यामोह, दूसरों को मोहित कर चक्कर में डालने के लिए पूर्व पक्षी ने इस तरह की शंका उठा दी है। यदत्र केचन अत्यल्प दृश्य भी प्रतिपन्ना, लेकिन अल्प बुद्धि वाले कुछ लोग इन बातों को सुन करके चक्कर में आकर के विप्रतिपत्ति को प्राप्त करते हैं। तस्मिन् अपि शुद्ध बोधे स्व प्रकाश यदि स्वात्म उच्छलतात्मकम ज्ञानम अंगीकृतम अनुभूयते तद् बुद्धि व्यापारात्मकता सर्वता बुद्धि विलासः विलास अस्तमयस्यैव स्वरूप प्राप्ति लक्षणत्वात् विकल्पनमेव स्यात्। फिर कहते यदि ऐसा मान लिया जाए तो कहते स्वात्म उच्छलतात्मकम ज्ञानम अंगीकृतम, यदि अपने ही स्वरूप का विस्तार हुआ विकास हुआ इसलिए तो विकास के माध्यम से बुद्धि जो ज्ञान पैदा हो रहा है कहने लगोगे उसका स्थिति आ जाएगी शिव पर भी असर। उस असर के वजह से क्या होगा यदि ज्ञान को अनुभव जो करो ऐसा मान लोगे तो तद बुद्धि व्यापारात्मक वो सब बुद्धि का व्यापार रूप है। तो सर्वथा बुद्धि विलास अस्तमयस्यैव, सर्वथा क्या होगी बुद्धि का उदयास्तमयता होगी, उसे स्वरूप प्राप्ति लक्षणता विकल्पनमेव, वही स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी आत्मा को भी और आत्मा विकल्पात्मक हो जाएगा बुद्धि जैसे ही। यत्तु सर्वदा तद अभाव एव, यदि कहोगे सर्वदा उसका अभाव ही है, स एव सत्य स्वरूप प्राप्तिया परमार्थ मोक्ष इति तद व्यामोहेन मा व्यमुह्युः, और स एव सत्य स्वरूप प्राप्तिया बुद्धि आदि का अभाव ही सत्य स्वरूप की प्राप्ति है, बुद्धि आदि नहीं रह गया तो स्वरूप प्राप्ति हो गई, ऐसा समझो फिर सुषुप्ति चला गया तो स्वरूप प्राप्ति हो जाएगी, वहां बुद्धि आदि नहीं रहते।
कि सुषुप्ति को समाधि समझने लग जाए, सुषुप्ति को मोक्ष समझने लग जाए, ऐसे मोह में मत पड़ो। मेरे न व्यामोह ही उतर व्यामोह न, ऐसे उनके वचन के व्यामोह से इसी को पर कई लोग हैं सुषुप्ति को परमार्थिक मोक्ष मान लेते हैं, सुषुप्ति ही पारमार्थिक मोक्ष मानने वाले हैं। इसे गण उसको पारमार्थिक मोक्ष थी व्यामोह है ना, माँ व्यामोह ये यो उस बात में आकर के भले कोई मोहित होवे, यानी आप लोग मोहित न होवे यदि आक्षेप पूर्वम आह अनुग्रह पर श्रीमान आचार्यो बुद्धि बिना इत्यादि। आक्षेप पूर्वक पूर्व पक्ष को भी बताते हुए सिद्धांत पक्ष को बताने के लिए आचार्य सोमानंद नाथ जी ने इन श्लोकों का निर्माण किया है। कुतर्चित्रा हेतु माह, क्यों ऐसा होता है, तो वह दो नंबर टिप्पणाया सा इति, सा बुद्धि प्रकृति है प्रजा, वो प्रकृति का कार्य है, चेतन का कार्य नहीं है। न च तस्य तथापि किमिति अतः न च तस्य तया योग, और जो चैतन्य का इसके साथ बुद्धि के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, इसे जो भी ज्ञान पैदा हो रहा है सब बुद्धि पैदा कर रही है बिना चैतन्य का, ऐसा पूर्व पक्ष था। यदि चेत अपरस्तुति सिद्धांत, इस बार जो है चार नंबर टिप्पण अपरस्थित हो, अपरस्थिति मैंने भेद ग्रह, परिस्थिति क्या है अभेद ग्रह होता है और अपरस्थिति में भेद ग्रह होता है। सूक्ष्म ने बुद्धि ज्ञान आदि अभिषेय, यह अध्यास भी ऐसा हो गया है हमारे बुद्धि आदि के विषय नहीं हो पाता, यदि बुद्धि आदि के विषय हो जाए तो अध्यास को दो मिनट में तोड़ लेंगे आप। बुद्धि को समझ में आवे, बुद्धि पकड़ ले ये अध्यास है करके तोड़ लेंगे झटी थी, लेकिन बुद्धि को पता ही नहीं चल रहा है यह अध्यास हो रहा है, इतना शास्त्र समझाने पर बुद्धि कहां मान रही है अध्यास को। अहंकार का चाल ऐसा है, बुद्धि को ऐसा वशीकरण कर रखा है अहंकार ने, बुद्धि के अंदर विवेक ही होने नहीं देता। अहंकारो धियम रोदे, सुना है ना कई बार, सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम ना हम न वही जगत। अहंकार बुद्धि को पढ़ा रहा है, अहंकारो धियम रोदे बुद्धि को बोल रहा है, सुप्तम मा प्रबोधे जीवात्मा अज्ञान में सोया हुआ है, इसको सोए रहने से मत जगा। तो बुद्धि पूछती है क्या होगा यदि मैं इसको जगा दूं, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा या हमारा क्या बिगड़ेगा, खुद का बुद्धि का। अरे कहता अरे तू नहीं जानती ये जगा तो सीधा आनंद में ही जग जाएगा, तू विवेक करेगी तो तुरंत आनंद में जग जाएगा। जगने तो बड़ा है अच्छी बात है, आनंद में रहे क्या दिक्कत है। अरे पगली तू तो नष्ट हो जाएगी सबसे पहले। प्रबुद्धश्चेद आनंदे न त्वम, पहले तो डरा देता है, पहले तू नष्ट हो जाएगी, बाद में मेरा नंबर ना हम, फिर तीसरे नंबर में सारा जगत खत्म हो जाएगा, नवा जगत, इसलिए मत जगाना है। ये अहंकार पाठ पढ़ा रहा है निरंतर, इसलिए बुद्धि व्यय करती नहीं, अध्यास की सोचती नहीं, या जितना शास्त्र पढ़ लो पढ़ते हो सुनते रहते हाँ हाँ करते रहते, बाद वही हाल है कोलों का बैल जैसे वहीं आगे खड़े हो जाते हैं घूम करके, फिर हांकना पड़ता है हर दिन, फिर घूम के वहीं आगे खड़े हो जाए, कोल का बैल यही होता है ना, वहाँ आगे घूमे हाँ कर दो घूमेगा सीधा, कहीं नहीं बीच में रुकेगा, उधर ही आके खड़ा हो जाए हाँ करो फिर उठे, बीच में करते रहना पड़ता है तो घूमते रहते बाहर वहीं पे, पहला के वहीं रुक जाते ना जहाँ था वहीं पे वापस। वही रोज पाठ में सुनते हैं फिर रोज वही हाल हो जाता, सुधरते ही नहीं, नहीं। इसे कहते कहते हैं ये भाई ये बुद्धि का ये हाल है। सूक्ष्म बुद्धि ज्ञान आदि अविषयम, बुद्धि के ज्ञान आदि का आविषय है। तथा बुद्धि ज्ञान आत्मनो भेद से विकलनाथ, कि बुद्धि और ज्ञान आत्मा ज्ञान रूपी आत्मा का जो वास्तव में भेद है वो भेद गल गया, माने भेद खत्म हो गई, माने बुद्धि और आत्मा का अभेद हो गया, ऐसा अध्यास हो गया जिसका भेद विगलित हो गया, अब बुद्धि उस भेद को ग्रहण नहीं कर पा रही, मैं जड़ हूं ये चेतनात्मा अलग है उसी की सत्ता से मैं सब कर रही हूं, ये बात बुद्धि को समझ में ही नहीं आ सकती।
छह नंबर टिप्पण आगे दिया व्यवस्थितम के लिए, व्यवस्थित विशिष्ट से प्रमादु कादाचित कप्तम ध्वनितम, माने सर्वत्र व्यापक एक शिव ही व्यवस्थित है का मतलब क्या, ये जो क्षुद्र चैतन्य जीव 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 करके अनुभव हो रहा है, पशु करके अनुभव हो रहा है, ये वास्तव में खादाचित है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। विशिष्टस्य प्रमातु, जो विशिष्ट प्रमाता है, ज्ञाता मान रहा हूं मैं अपने आप को, ये जो विशिष्ट प्रमाता है ये कादाचित है, इस बात को ध्वनित करने उन्होंने कहा व्यवस्थित। हम सात नंबर टिप्पण सदा, सदा पे अंतिम शब्द पे सदा, सदा मैंने कहा तीनों अवस्थाओं में, परावस्था अपरावस्था परापरावस्था, तीन है अपर पर अपर परा बहुवचन है, अपर पहले ले लिया फिर पर लिख दिया फिर अपर पर एक कह दिया, पर अपर परापर, इन सभी अवस्थाओं में बच्चे तेरे तो एक रूप में ही व्याप्त रहता है, ये वो बताया। यहां तक पहले टीका देख लीजिए, ननु जानाति इति ज्ञानम बोधा, जानाति जानामि या जानासि, ऐसे जो ज्ञान होता है उसी का नाम यहां बोध शब्द श्लोक में कहा गया। बुद्धि वृत्ति विशेषा, क्या है वो बोध, बुद्धि का ही एक वृत्ति विशेष है, खत्म। किस प्रकार आप बात करें कि वृत्तिमति बुद्धि बिना स्यात्, क्योंकि वृत्तिमति जो बुद्धि के बिना वो बोध होता ही नहीं, इसे बुद्धि का ही कार्य वह ज्ञान ही इसे तो हो गया। बुद्धि का वृत्ति है तो घट ज्ञान है, बुद्धि वृत्ति नहीं है घटादि ज्ञान है नहीं। जागृत और स्वप्न में बुद्धि की वृत्तियां हैं इसे ज्ञान हो रहा है, सुषुप्ति में बुद्धि की वृत्ति नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं हो रहा। इसे मालूम होता है जो भी ज्ञान होता है वो बुद्धि ही पैदा करती है, बुद्धि का ही कार्य, इसमें चैतन्य का कोई लेन देन कोई मतलब नहीं, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। बुद्धि से प्रकृति प्रजाता जड़ा, और बुद्धि क्या है, प्रकृति से का प्रजा है, प्रकृति का कार्य है इसलिए वो जड़ है। नचतया तस्य सर्वशक्ति शिव तत्व से निर्मल से संबंध, नचतस्य तया योग है ना उसकी व्याख्या, और तया बुद्धिया उस बुद्धि के साथ तस्य सर्वशक्ति शिव तत्व से सर्वशक्ति शिव तत्व का जो निर्मल है उसका संबंध नच इत्येवंचे, ऐसे जो पूर्व पक्ष कहता है तो तन्न करके खंडन। यहां तक ये टिप्पण तीन चार पांच। तीन नंबर में टिप्पण कर कहते हैं अविकलित स्वरूप सत्तत्व से भाव से धर्म कल्प रूपांतरित छाया धारणम घटस्य इव उदक आहरणम चैत्रस्य इव गमनम वृत्तिरुच्यते। वृत्ति किसको कहते हैं उस पर व्याख्या करें, बुद्धि वृत्ति कह दिया ना आपने, वृत्ति किसको कहते हैं, कहते अविकलित स्वरूप सतत्व से, मैंने शिव चित्त को छोड़ के वृत्ति भी नहीं हो सकती, अधिष्ठान चेतन को छोड़ दें बुद्धि मरी जाएगी, वृत्ति कहां से निकलेगी उसमें। जो सतत्व अधिष्ठान है स्वरूप उसके साथ ही अविकलित जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप कैसा है किसी भी अवस्था में विकलित नहीं होता, अविकलित स्वरूप जो सतत्व हमारा चैतन्य है वो उसका भाव का ही धर्म कल्प रूपांतर छाया धारणम, वही क्या हो रहा है, किसने किसी धर्म विशेष को लेकर किसने किसी रूप विशेष को लेकर विभिन्न प्रकार के रूपांतरों को प्राप्त करते रहता है, धर्म कल्प रूपांतर छाया धारणम घट सीव उदक आरणम, माने जैसे घट से आप जल को ला रहे और जैसे चैत्र गमन करता है इसी प्रकार से बुद्धि की ये वृत्तियां हैं समझो। तथा तस वृत्ति भेदात न वृत्ति भेदो भवति, इसे वृत्ति का भेद मात्र से ही तस वृत्ति भेदात माने बुद्धि की वृत्ति का भेद से ही वृत्ति भेद हो जाए यह कोई जरूरी नहीं होता, कि एकाकार वृत्ति लगातार बन सकती है ना, बुद्धि का वृत्ति अनेक हो रहा है लेकिन सबका विषय एक ही हो सकता है, एक विषय निरंतर प्रत्येकता का ध्यान, एकाकार वृत्ति चल रही है हर वृत्ति का विषय समान है, वहां विषय भी भेद हो जाए कोई जरूरी नहीं होता, इसलिए बुद्धि वृत्ति भेद होने पर विषय वृत्ति भी भेद हो गए यह कोई जरूरी नहीं है। तेनैव रूपेण अबाधित प्रतिविज्ञा विषयता, है ना,
एक ही रूप से अबाधित होकर के प्रतिविज्ञा का विषय हो सकता है। मैं उसी को देख रहा हूं, उसी को जान रहा हूं, ऐसे प्रतिविज्ञा हो सकती है। चार नंबर टिप्पणी, वृत्तिमती में, क्योंकि तत्व भेदाभाव वृत्ति और वृत्तिमान में वास्तविक कोई भेद नहीं है। बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों में वास्तविक कोई भेद नहीं हो सकता। जैसे आप और आपका अवयभूत हाथ पैर में, आप में और आपके हाथ पैर में भेद है क्या? भाई शरीर है मेरा शरीर है, मेरे हाथ पैर अलग अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ अवय और अवयवी में वास्तविक भेद नहीं माना जाता, उसे वृत्ति और वृत्तिमती बुद्धि में भी वास्तविक भेद नहीं है। तत्व भेदाभाव नच तया तस योग, ये शिव का बुद्धि के साथ संबंध क्यों नहीं है? ननु अस्तु तस्या जाड्यं यथा तत्र विषयः प्रतिबिंबं अर्पयति तया पुंस प्रकाशोपि समर्पयति अन्यथा विषय व्यवस्थापि तथा तया न सिद्ध्येत तदा च चैतन्यं न चेति चकारेण इति परिहरति। पहले लेकिन यहाँ पूर्व पक्ष इस पांच मिनट टिप्पणी में जो ननु पूर्व पक्ष है वो सिद्धांत ही बोलेगा, क्योंकि अब पूर्व पक्ष कहेगा ना बुद्धि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, और हम कहेंगे बुद्धि का संबंध है, अब वो कहेगा नहीं है। इसलिए हम शंका करने वाले हैं, सिद्धांत ही कहता है भाई चैतन्य का बुद्धि के संबंध है, तभी तो चैतन्य बुद्धि सब कुछ देख पा रही है। तो नहीं नहीं नहीं, अरे जड़ का चैतन्य से संबंध कैसे हो जाएगा? ऐसा पूर्व पक्ष तर्क देगा, कहते ना नच तया तस्य माने बुद्धि के साथ उस तस्य में शिव का कोई योग नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता, जड़ चैतन्य का संबंध नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। इसलिए पहले जो ननु सिद्धांत ही बोल रहा है अस्तु तस्या जाड्य, ठीक है बुद्धि जड़ है हम भी मानते इस बात को, लेकिन यथा तत्र विषय प्रतिबिंब अर्पयति, लेकिन विषय जिस प्रकार बुद्धि वृत्ति में अपने प्रतिबिंब डाल रही है, विषय का प्रतिबिंब कहां पड़ा? बुद्धि में। विषय थोड़ी याद आ पा रहा है, आप आंख से हम आपको देख रहे हैं, आपका चित्र खींच लिया इसने, आंख प्रतिबिंब पड़ गया, वास्तव में आप थोड़ी अंदर जा रहे हैं, वस्तु नहीं जाता है, वस्तु का स्वरूप केवल एक प्रतिबिंब रूपेण अंदर जाता है। इसलिए बुद्धि वृत्ति जो जा रही है उसे विषय का रूप स्वरूप जैसा प्रतिबिंब रूपेण अर्पित हुआ, वैसे चैतन्य भी क्यों प्रतिबिंबित हो नहीं हो सकता, और उसके हुए बिना बुद्धि कैसे प्रकाशन कर देगी जड़ होने के नाते। इसे हम सिद्धांत यह कहेंगे जिस प्रकार से विषय का प्रतिबिंब बुद्धि वृत्ति में पड़ रहा है उसी प्रकार चैतन्य का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो कहेगा नहीं, विरोध करेगा। देखिए यथा तत्र विषय प्रतिबिंब अर्पयति तथा पुंस प्रकाशो अपि, आगे ना उसी प्रकार पुरुष का चैतन्य तो प्रकाश भी समर्पयति। यदि बात को नहीं मानोगे तो अन्यथा विषय व्यवस्था पे तथा न सिद्धे, विषय की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं हो पाएगी, कि घट है बुद्धि है जड़ वो विषय में भेद समझ नहीं पाएगी, चैतन्य ही विषय भेद का प्रकाशन कर सकेगा। तथा अच्छा चैतन्य, इसलिए आपको चैतन्य मानना ही पड़ेगा, बुद्धि चैतन्य का तादात्म्य अध्यास मानना चाहिए। तब पूर्व पक्ष ने कहा नच ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो जाएगा तादात्म्य अध्यास, क्योंकि जो है जड़ और चेतन का किसी प्रकार से भी संबंध नहीं हो सकता। नचित चकारे ने तत् परिहरति। अब आई वापस बोल में तन्ना, अब सिद्धांत जवाब देगा असली में अपरावस्थाया, अपरिस्थितों की व्याख्या कर दिया, अपरवस्थायाम अभेद अख्यात एक रसाय, जब अभेद का ज्ञान हो जाता है तब की बात छोड़ो, परावस्था ये अपरवस्था जब अभेद का ख्याति नहीं है फिर भी एक रसायाम पुर्यष्टक प्रमात्रीणाम, यदि एक रस में क्या अनुभव हो रहा है, अनेक पुर्यष्टक प्रमाता अनुभव हो रहे हैं, माने भेद ज्ञान है, तार्ष भेद ज्ञान का अनुभव जिसको हो रहा है उसी का नाम बुद्धि है, सा बुद्धि। यत पुनः पूर्णतायां परावस्थस्य, और जो पूर्णता में है परावस्था का, अतएव सूक्ष्म जो सूक्ष्म है वो अभिन्नम वेद्यताम अनुपयातम, वो वेद्यता को प्राप्त हो नहीं सकता, जो अभेद है अद्वैत है वो आपको बुद्धियादि की विषय का रूपेण अनुभव नहीं हो सकता, अतएव इसलिए वो शुद्ध चेतन जो परावस्था वालों कैसा है, सर्वदिक्कम दिक्काल अखंडितम
दिक्कालादियों के परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा जो ज्ञानम बोध मात्रम अबोध्य रूपम, वो बोध मात्र स्वरूप है, ज्ञान मात्र स्वरूप है चैतन्य आत्मा, वह किसी का भी बोध्य होता नहीं, अबोध्य रूप। 6-7 टिप्पणी। सर्वास दिक्षु वर्तमानम न तो तेना अवच्छिन्न इत्यर्थ, सभी दिशा में विद्यमान होने से किसी एक दिशा से अवच्छिन्न वो नहीं है। तथा च व्यापकत्वं विघटेत, इस तरह से व्यापकत्व का जो है विघटना बनेगी। उपलक्षणम एतत् तेन सार्वकालिकम इत्यपि बोध्यम, ये उपलक्षण है, जैसे सर्वदिक है वैसे सर्वकालिक भी है वो। तदा दिक्कालेति, इसी को सर्वदिक्कम दिक्काल अखंडितम, ऐसे टीका कारण बोधमयम, बोधमयम जो मूल में था श्लोक में, अत्र प्रकृत्यर्थे मयट, बोधमय में मयट किस अर्थ में आया, मयट 6 अर्थों में आता है व्याकरण के अनुसार, यानी आप किस अर्थ में ले रहे हो, आप प्रकृत्य स्वभाव, बोध स्वभाव वाला है आत्मा, स्वभाव से ही वो ज्ञान रूप है आत्मा, बोध स्वभाव मित्यर्थ है ना, तदा बोध मात्र मिति, उसको वृत्तिकार ने बोध मात्र, तदेव बोध मात्रतम यद अन्य आवश्यकतम, मन उसी को बोध मात्र कहा जाता है जो किसी का विषय न हो, तदा अबोध्य रूपमिति, इसी को कहने के लिए वृत्तिकार ने अबोध्य रूपम शब्द प्रयोग किया। तत् अध्याय करना पड़ेगा, श्लोक में तत् नहीं है, इन तत् अध्याय करके तस्य इस श्लोक में तस्य शिवस्य तत्तस्य शिवस्य सहजन सदा, उसकी व्याख्या तत्तस्य माने शिवस्य, यही क्या है, शिव का सहज और सदा स्वरूप है। सहजम मने स्वरूप प्रत्यमर्श स्वभाव इत्यर्थ, नान्यतः अन्य से इसका प्रत्यमर्श नहीं होता, स्वरूप का प्रत्यमर्श अपने आप में स्वभाव से हो जाता है। और सदा क्यों कहा, तदेव स्वाभाविकतम यत् तत् प्रच्युतो अपि वेदाभासे न तद हानिर इत्याह सदा इति, यही उसकी, इसलिए हम उसको ज्ञान उसका स्वभाव कह देते हैं, क्योंकि इस अज्ञान काल में भेद काल में भी वह चैतन्य प्रतिबिंब रूपेण परिच्छिन्न जैसा भाषित होने के बावजूद भी वह स्वरूप से कभी किसी प्रकार का हानि च्युति या खंडित परिच्छिन्न नहीं होता, इसलिए सदा कह दिया गया। प्राकृत बुद्धि उल्लास तत्सद्भाव, कि ये प्रकृति का कार्यभूता बुद्धि अपना काम कर रही है, भेद में निष्ठा है, भेद में लगी हुई है बुद्धि, इस समय में भी तत्सद्भाव वह शिव चैतन्य विद्यमान है। इसलिए हर ज्ञान में वह चैतन्य सात सामान्य प्रकाश रूपेण है, बिना उस सामान्य प्रकाश का यह विशिष्ट प्रकाश हो ही नहीं सकता था, सामान्य प्रकाश को ग्रहण करने के लिए ही बार बार लोग कहते साधकों को साक्ष्य भाव के अभ्यास पर बैठ कर देखते रहो, बैठो देखते रहो, वृत्ति आ रही जा रही है, जाने दो आने दो जाने, जो जो विषय आ रहा है जो भी आ रहा है जाने दो, आ रहे दो जाने दो, लेकिन उसको पीछे मत भागो, हो जाए क्या उस दृश्य से हम तादाद हो जाते हैं और दृश्य का आनंद लेने लगते हैं, दृश्य दुख है तो दुखमय हो जाते हैं, मनोराज्य में लग जाते हैं, ये दिक्कत होता है। बस आता जात वासना और संस्कार जो भी वृत्ति आ रही है विषय लेकर के, उस विषय को आप देखें, इस विषय का अनुसरण न करें, ये साक्ष्य भाव, इसका अभ्यास करने लग जाए तो हर एक वृत्ति का ज्ञान के साथ अपने चैतन्य का अनुभूति हो जाएगी, स्वरूप अनुभूति हो सकती है। इसलिए जिस साधक को जो सही साधना अच्छा लगे, साधना तो अनेक प्रक्रिया है, प्रतिबोध वितम मतम का है श्रुति ने केन उपनिषद में ना, प्रतिबोध वितम मतम, बोधम बोधम प्रति यदि वितम तदेव आत्मा इति मतम, इसे तद विना तद अभाव, क्योंकि सामान्य चैतन्य के बिना ये बुद्धि विचित चैतन्य ही नहीं हो सकता, तद विना मैंने सामान्य से बिना तद अभाव मैंने विशेष से अभाव, 3 नंबर टिप्पण है, तदेव स्वभाव विशेषस्य क्षोभाकार से सामान्य बिना अस्तित्व है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष जो क्षोभाकार है उसकी स्थिति ही नहीं हो सकती। ननु
एवमपि न्यायवैशेषिकाय साम्यमायाति ज्ञानस्य शिवाशर तत्वोपगमे। तब पूर्व पक्षी कहता है ये जो ज्ञान कहाँ रहता है, आकर शिव में रहता है। यदि कहोगे तो फंस गए, शिव में रहता है का मतलब क्या, आत्मा में रहता है, फिर तो नैयायिकों के बराबर हो गए आप ही। क्योंकि नैयायिक लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान आत्मा में रहता है, आत्मा का एक गुण है। फिर आप भी वही चक्कर में आ गए, उनके समान हो गए आप। ये पूर्व पक्षी कह रहा है शिव ज्ञान रूप, शिव नहीं मान रहा पूर्व पक्ष ना, वो समझ नहीं रहा है संकेत को, वो ये समझ रहा है ज्ञान शिव के वजह से हुआ है। अतएव ज्ञान कहाँ रहेगा, शिव में रहेगा। शिव हो गया अधिकरण, ज्ञान उसमें रहने वाला गुण, अतएव गुण गुणी भाव हो गया, तो फिर आप नहीं के समान हो गए कह दिया। एवमपि न्याय वैशेषिक का साम्यम आयाति, क्यों, ज्ञानस्य शिवाश्रितत्व उपगमे, ज्ञान को शिव आश्रितत्व ने यदि स्वीकार कर लेते हो तो आप नैयायिक औद्योग के समान हो जाओगे। ज्ञानम इत्येषा मातु समेतम इष्टम, कि उनके मत में ज्ञान को आत्मा में समय समय से माना जाता है। शिवश्च आत्मरूप, और शिव क्या है, आत्मा ही तो है। इत्युक्तम न्यायादि विरीति, इसको आगे के श्लोकों में कह रहे देखिए आगे दो श्लोक। न्यायादिभिर्न तुल्यत्वं तैरिया प्राकृतिमति तस्याएव आत्मधर्मत्वं इष्टं न परबोधके एष एव हि विज्ञेयो न्याय इच्छां प्रति स्फुटम्। कहते कि देखो न्यायादिभिर्न तुल्यत्वं, हमारे कथन से आप हमें ये मत कहो कि आप भी न्यायादियों के समान हो गए हैं, ऐसा आप आरोप मत लगाइएगा। क्यों, कि आप क्या मानते थोड़ा आप पहले समझ लीजिए, और हम क्या मान रहे हैं आप उसे भी समझ लो, तो समझ में आएगी हम दोनों बराबर नहीं है। तैर उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, ही यस्मात या प्राकृति मति ही तस्य एव आत्मधर्मत्वम् इष्टम्। उनका मानना है जो उनकी प्राकृति मति है, माने भेद दशा में होने वाली मन और आत्मा का संयोग से पैदा होने वाला जो ज्ञान, वो आत्मा में रहता है, ये उनका मत है। ठीक, प्राकृति माने आत्मन संयोग से उत्पन्न जो मति माने ज्ञान है, वह ज्ञान तस्या उनके मत के अनुसार जो है आत्मधर्मत्वम् इष्टम् न परबोधक है, इन वो उसको परब्रह्म में नहीं मानते, शुद्धात्मा में नहीं मानते इस चीज को। हम कहां मान रहे ज्ञान को, सबको शुद्धात्मा में मान रहे। ये शे वही विज्ञायो, यही बात, यही न्याय, ये शे वही न्याय, ये युक्ति से ये भी समझ लीजिए उनकी यहां इच्छा कहां है, जीवात्मा में रहता है। इच्छां प्रति स्फुटम्, इच्छा के प्रति भी यही युक्ति स्पष्टतया लगा लेना, उनके मत पे सब आत्मन संयोग से होने वाला गुण है, और हमारे यहाँ ज्ञान इच्छा आदि आत्मा का स्वभाव भूत स्वरूप भूत वस्तु है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति शिव का स्वरूपता शक्ति है, और उनके स्वरूपता नहीं है, वो आत्मन संयोग से पैदा होता है। बताओ हमारे उनमें अंतर कैसा नहीं है, बहुत अंतर है। उनके तो पैदा होने वाली चीज है, हमारे यहाँ नित्य है, स्वरूपता वस्तु है। किसी शक्ति अभिन्न पहले बोल चुके हैं, इसलिए खंडन हो गया। अब आइए टीका लगाए बाकी हम। तैर न तुल्यत्वम, उनके साथ हम समान नहीं हो रहे हैं, क्यों जी, कहते प्राकृत्याम माने भेद दशायाम, उनके क्या हो रहा है, बुद्धि योगात्मनो ज्ञानस्य तथा विधानात्, बुद्धि माने मन, उसका योग माने समवाय संबंध से आत्मा के अंदर ज्ञान का उन्होंने माना है, तथा विधानात ऐसा उनका कथन है। न तो ईश्वरे पर रूपे ज्ञातरी, वो ईश्वर पर रूप जो परमात्मा है, शुद्ध ब्रह्म है, उनके यहां भी जो परमात्मा मानते हैं नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न वाला, उसमें वो ऐसा नहीं मानते हैं आत्मन से उसे वहां ज्ञान इच्छा प्रयत्न पैदा हो रहा है। ईश्वरे पर रूपे ज्ञातरी न तो तदुक्तम ये शैव न्याय, ये जो बात कही गई इसी नियुक्ति को इच्छा प्रतिस्फुटंगे, हाँ इच्छा आदि गुणों के बारे में भी समझ लेना। इच्छा चिते है प्रत्येक आत्मा आश्रिता भेदमयी एव उक्ता, उन्होंने उनको क्या कहा,
इच्छा भी ऐसा है उनके मत में, चिते प्रत्येगात्मा आश्रिता, मन के संबंध से प्रत्येगात्मा जीवात्मा में आश्रित है, ईश्वर में नहीं है। भेदमयी एव उक्ता, भेद वाले में ही वो सब कुछ मान रहे हैं। या अन्येर मन संकल्प रूपा, जो कि अन्यों के द्वारा स्वीकृत है मन संकल्प आदि रूपा, वो भी उनके यहाँ आत्मा का गुण रूपे नहीं माना जाता है। और हमारे उन्मुखता, संकल्प क्या था यहाँ, उन्मुख होना, वो भी शिव के स्वभाव कोटि में हमने माना ना, उन्मुखता को मान ली। फिर पहले निवृत्ति, पहले स्वरूपता है निवृत्ति, वो आनंद है। आनंद में क्या हुआ, एक संकल्प एक स्पंद शब्दावली प्रयोग होता है, उन्मुख होना कहा गया। फिर उसे इच्छा ज्ञान क्रिया, ये पंच स्तर माना है हमने, ये सब उसके स्वरूप से अभिन्न है, अलग नहीं है कुछ भी। अन्नम मन का संयोग की जरूरत है यहाँ पर, ये सब चीजें होने के लिए, और उनकी हर चीज मन के संयोग से हो रहा है, और जीवात्मा में हो रहा है, परमात्मा में नहीं हो रहा है। और हम जो कह रहे हैं ये सब पशु में नहीं है, सब पशुपति में बोल रहे हैं हम, ये हमारे उनके मत में अंतर है। न तो परमेश्वर स्वभाव भूता परापर अवस्था स्थिता वा, इसलिए परमेश्वर का स्वभावत्व लोग नहीं मानते, जो परावस्था में अवस्थित परमेश्वर का स्वभाव है उस कोटि में उसको नहीं लेते हैं, यही हमारे उनमें अंतर है। इस पर पांच और छह नंबर टिप्पण है, पांच नंबर के श्लोकों को दिया अन्यों के मतलब दिखाते हैं। न चास्य बाह्य करण सिद्ध्यन्ति सकल क्रिया नई स्मृति सुखेच्छाद चक्षुरादीनि साधनम्। देखिए हर एक ज्ञान बाह्य इंद्रियों की सहायता से ही उत्पन्न होता है, कोई जरूरी नहीं। बाह्य करण ही अस्य सकला क्रिया न सिद्ध्यन्ति, जीवात्मा के सारी क्रियाएं बाह्य इंद्रियों से सिद्ध होते हैं यह कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, स्मृति सुखेच्छाद, स्मृति के लिए सुख के लिए इच्छा के लिए हमें कोई बाह्य इंद्रियों की जरूरत नहीं है। चक्षुरादि नहीं साधनम्, तेन इच्छा स्मृति सुख दुख वेदना नाम आधारो न खलु मनोन्न चेन्द्रियाणि देहोपि व्रजतीतम् व्रजति न तन् न तत्समाश्रयत्वम् तेभ्यो अन्यम् पुरुषम् अथ प्रकल्पयामः। तेन इच्छा स्मृति सुख दुख वेदनानाम् आधारो न खलु मनो न च इंद्रियाणि, इंद्रियां भी इसका आधार नहीं हो सकता, मन भी इसका आधार नहीं हो सकता, इच्छा स्मृति सुख दुख इच्छा वेदना ज्ञान आदियों का। देहोपि देह भी नहीं व्रजति न तत् समाश्रयत्वम्, और इसमें आश्रित भी नहीं हो सकता ये सारी चीजें, इसलिए तेभ्यो अन्यम शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार इन सबसे अलग कोई पुरुष नाम का वस्तु को हम इसलिए कल्पना करते हैं, वह पुरुष में ही ये सारा चीज वो लोग मानते हैं। सूत्रकारश्च न्याय सूत्रकार ने कहा इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम इति, न्यायवादी भी 36 नंबर का अर्थ है।